गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कॉलर्स पब्लिक स्कूल जावरा। सो लास्ट लेक्चर तक हम लोगों ने जान लिया था ग्लेयर के बारे में। रात के टाइम पे अगर रोड गीली होती है जो लाइट का रिफ्लेक्शन होता है वो मल्टीपल रिफ्लेक्शन और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन के बीच में हमको जो लाइट है वो अलग तरीके से हमें आँखों के ऊपर आती है, जिससे ड्राइवर को देखने में प्रॉब्लम हो सकती है, यानी कि वो एनोइंग है आपके ड्राइवर के लिए। सो आज हम इससे आगे बढ़ेंगे, आगे हम जानेंगे मल्टीपल रिफ्लेक्शन एंड मल्टीपल इमेजेस के बारे में हम लोग अच्छे से जानेंगे कि एक्चुअल में ये दोनों चीज़ें होती क्या है। सो अगर हम बात करें मल्टीपल रिफ्लेक्शन का मतलब क्या, कि एक ही अगर ऑब्जेक्ट है और आपके बहुत सारे मिरर हैं, मतलब आप लोगों ने मूवीज़ में बहुत सारी बार देखा होगा या हम लोग ऐसा देखते हैं कि एक ही आप खड़े हुए हैं, तीन चार मिरर आपके आसपास लगे हुए हैं। मेनली हम कहाँ पर देखते हैं ये चीज़, हम लोग देखते हैं या तो सर्कस में देखते हैं और या फिर हम सैलून्स में देखते हैं कि बहुत सारे मिरर एक साथ लगे हुए होते हैं। सो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि हर जगह अलग रिफ्लेक्शन होगा और एक एंगल से आपको एक अलग अलग इमेजेस देखने को मिलेंगी, ठीक है। सो इसका मतलब क्या कि ऑब्जेक्ट तो एक है पर वो मल्टीपल रिफ्लेक्शन परफॉर्म कर रहा है, यानी कि एक ही ऑब्जेक्ट अलग अलग रिफ्लेक्शन परफॉर्म कर रहा है और हमें हर जगह पर अलग इमेज दिखेगी। कारण क्या है, क्योंकि एंगल अलग होगा। क्या होगा, एंगल अलग होगा। अब एंगल क्या होता है वो हम अच्छे से देखेंगे अभी। सो शुरू करते हैं लेक्चर। इफ़ द इमेजेस ऑफ ऑब्जेक्ट इज व्यूड इन टू टू प्लेन्स ऑफ मिरर दैट आर इंक्लाइंड टू ईच अदर। इंक्लाइंड का मतलब क्या होता है, इस तरीके से, ठीक है, यानी कि दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मोर देन वन इमेज इज़ फॉर्म, हमको पता है कितनी, एक से ज़्यादा इमेज बनेगी अगर दो मिरर है तो। द नंबर ऑफ इमेज डिपेंड ऑन एंगल बिटवीन टू मिरर्स, तो दोनों के एंगल के बीच के ऊपर क्या डिपेंड करेगी, आपकी नंबर ऑफ इमेजेस। सो देखिए हमारे आगे ये एक्टिविटी है, ये हमारे लिए इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रह जाती, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ये वाला डायग्राम, ठीक है। सो ये वाला डायग्राम एक्चुअल में है क्या, हम लोग ये जानेंगे अच्छे से। सो पहले हम थोड़ी सी थ्योरी पढ़ लेते हैं इसके बारे में, फिर हम इसका डायग्राम अच्छे से देख लेंगे। इट इज़ फाउंड टू बी दैट इफ द मिरर आर इंक्लाइंड एट एंगल, एंगल पे क्या है, इंक्लाइंड, यानी कि देखिए एक ये आपका मिरर है और एक ये आपका मिरर है, ये दोनों से क्या है, ये इंक्लाइंड है, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा उस एंगल को मैं क्या नाम दूंगा, थीटा नाम दूंगा। क्या नाम देंगे, थीटा नाम देंगे। देन द नंबर ऑफ इमेजेस आर गिवन बाय रिलेशन, आपको ये वाला रिलेशन याद रखना है। तो ये रिलेशन अगर हम अच्छे से समझें तो क्या बोलेंगे इस रिलेशन को, हम 360 डिवाइडेड बाय थीटा माइनस वन, ठीक है, ध्यान रखिए। अब ये 360 का मतलब क्या होता है, तो 360 का मतलब आप क्या ध्यान रखेंगे, 360 का मतलब होता है आपका पूरा सर्कल जो होता है उसका एंगल कितने होते हैं, सारे कुल मिला के 360 डिग्री का होता है ना आपका पूरा सर्कल, ये बात आप ध्यान रखेंगे। सो अगर आपका 360 का जो आंसर है, ये इसका आंसर अगर होल नंबर में नहीं आ रहा, यानी कि मान लीजिए आ गया 1.2 आ गया, सर ऐसी कंडीशन में 1.2 मिरर तो नहीं लगाएंगे या 1.2 इमेजेस तो नहीं बनेगी। सो ऐसी कंडीशन हम क्या करेंगे, हम इसे राउंड ऑफ कर लेंगे। सो 360 इज़ नॉट कमिंग एज अ होल नंबर, देन द नंबर ऑफ इमेजेस will be rounded off to the nearest integer, ध्यान रखिएगा nearest integer, यानी कि ये माइनस में भी जा सकता है, ठीक है। This can be verified by actual drawing, तो हम drawing देखते हैं। So let us consider two mirror mm and mm dash, क्या पढ़ेंगे इसको, mm dash, to be mutually perpendicular। अब आपको पता है mutually perpendicular का मतलब क्या, कि परपेंडिकुलर यानी कि होता है 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, ध्यान रखिएगा परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। इन दिस केस नंबर ऑफ इमेजेस फाउंड बाय द मिरर इज 360, देखिए हम पहले हम नंबर ऑफ इमेजेस निकाल लेते हैं, हमारा आगे ये रहा, तो देखिए आपका 360 डिवाइडेड बाय 90, सो जीरो से जीरो कट गया। अब देखिए 9 की टेबल में 36 आता है, तो बिल्कुल 9 1 9, 9 2 18, 9 3 27, 9 4 36, तो ये कितने से कट गया, ये 4 से कट गया। अब देखिए यहाँ अगर ये 4 से कट गया है तो 4 माइनस 1, तो आंसर क्या आएगा आपका, 3 आंसर आएगा।
अब मान लीजिए यहाँ पर जीरो डिग्री होता तो क्या होगा, जीरो डिग्री होगा तो कितनी इमेज बनेगी, तो अगर नीचे जीरो है यानी कि इनफाइनाइट इमेज बन सकती है, बिल्कुल बन सकती है। अब मान लीजिए यहाँ पर 180 होता तो 180 होता तो कितनी इमेज बनती, अगर 180 यहाँ पर होता तो यहाँ पर कितनी इमेज बनती, सिर्फ एक इमेज बनती। ठीक है, ऐसे ही ये कंटिन्यूसली चलता रहेगा। ठीक है, मान लीजिए अगर यहाँ पर 270 होता तो 270 मतलब यहाँ पर आंसर क्या होता, 270 अगर यहाँ पर 270 होता तो 360 बाय 270 कितना होता है, हम लोग देखेंगे अभी। तो 360 बाय 270 तो 0 से 0 सो ये 3 टाइम और ये 4 टाइम तो 4 बाय 3, तो 4 बाय 3 अब हम देखिए 4 बाय 3 तो बन ही नहीं सकता है आपका, अगर इसको इस तरीके से समझे तो 3.33 बनता है हमारा ये, पर हम मान ली ये कम नहीं है तो हम इसे क्या करेंगे, इसको 3 ही मान लेंगे और 3 माइनस 2 करके इसकी हमारी नंबर ऑफ इमेज कितनी हो जाएगी, सॉरी 1 करके नंबर ऑफ इमेज हो जाएगी हमारी 2। ठीक है, सो नंबर ऑफ इमेज निकालना हमें आ गया है। ठीक है, अगर नहीं आया है तो आप लोग इसको एक बार और देख सकते हैं इस वीडियो को। लेट ओ बी द पॉइंट ऑब्जेक्ट, अब क्या करना है हमें, किस तरीके से इमेज फॉर्म होगी ये देखना है। तो देखिए ये आपकी एक ओ है, ये पॉइंट आपका, ये कैसा है आपका ओ ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब ये ओ जो ऑब्जेक्ट है ये किसके रेफरेंस में इमेजेस बनाएगा, ये एमएम और एमएम डैश। तो आपका पहला मिरर है एमएम डैश ये वाला, और ये एमएम आपके एक इमेज है। ठीक है, अब देखिए ये दोनों कितने डिग्री से पर इंक्लाइंड है, तो 90 डिग्री से इंक्लाइंड है। सो ये ओ वाला जो ऑब्जेक्ट है ये क्या बनाएगा, एक इमेज बनाएगा कहाँ पर, बिहाइंड द एमएम, बिहाइंड द मिरर एमएम ओ वन। अब आप पूछेंगे सर ये इतना दूर क्यों है, आप पूछेंगे मुझसे कि सर ये इतना दूर क्यों बन रहा है, तो मैं आपको ये बताऊंगा कि ये दूर इसलिए बन रहा है कि जो हमें प्लेन मिरर के अंदर पता है कि ऑब्जेक्ट जितना दूर बनेगा इमेज भी उतनी दूर ही बनेगी, इसीलिए हमने इसको इतनी ही डिस्टेंस पे इसको मेंटेन किया है। सो आपका ओ वन आपका एक इमेज मिल गई। अब इस ओ ऑब्जेक्ट की इमेज यहाँ भी बनेगी तो सेम कंसेप्ट लगेगा कि ये जो ओ ओ डैश है आपका ये भी क्या होगा, सेम डिस्टेंस पे क्या बना देगा, ओ टू बना देगा। अब देखिए इन दोनों का अगर हम कंस्ट्रक्शन करें तो हमें क्या मिलेगा, एक ओ थ्री इमेज मिलेगी क्योंकि जो कि इस प्लेन पे मिलेगी हम, ये दोनों जुड़े हुए हैं। तो ऐसी कंडीशन में हमें कितनी इमेज 90 डिग्री पे कितनी इमेज मिली, एक मिल गई, दो मिल गई, तीन मिल गई। ठीक है, सो ओ टू इज इमेज इज फॉर्म, देखिए अब इसको पढ़ते हैं अच्छे से। ओ वन इज द इमेज ओ फॉर्म्ड बाय द मिरर एमएम एट द सेम डिस्टेंस बिहाइंड द ऑब्जेक्ट इज, ठीक है हमको ये तो बात अच्छे से बता। ओ टू इज इमेज ऑफ ओ फॉर्म्ड मिरर एमएम डैश एट द सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज, तो हमें ये पता है ओ टू इमेज ये हमारी बनी थी, ये वाली इमेज हमारी ओ टू बनी थी। ठीक है, अब ओ वन एंड ओ टू एक्ट एज अ ऑब्जेक्ट टू फॉर्म ए इमेज एट ओ थ्री, तो देखिए ये दोनों भी क्या करेंगे, एज अ ऑब्जेक्ट ही क्या करेंगे, बिहेव करेंगे और इनकी इमेज क्या बन जाएगी, ओ थ्री में। ठीक है, तो हमें नंबर ऑफ इमेज कितनी मिली, ओ टू ओ थ्री ओ वन आर द थ्री इमेजेस ऑफ ऑब्जेक्ट ओ। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगले लेक्चर में हम वाइट लाइट डिस्पर्जन के बारे में जानेंगे जो कि आप लास्ट कुछ क्लासेस में भी अच्छे से जान चुके हैं। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।